तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे कि आपके मोबाइल के लिए या फिर लैपटॉप पीसी के लिए आपको कौन सा वेब ब्राउजर इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे में देखा जाए तो लोग ज्यादातर क्रोम ब्राउजर्स को या फिर फायरफॉक्स को अपने मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे डाउनलोड करके रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल के टाइम पे हर किसी मोबाइल के अंदर या फिर हर किसी लैपटॉप पीसी के अंदर क्रोम ब्राउजर्स या फिर फायरफॉक्स ब्राउजर्स जरूर डाउनलोड रहते हैं। इसके जरिए दोस्तों लोग सर्फिंग करते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं, कुछ भी देखना होता है तो देखता है। लेकिन दोस्तों इससे हटकर और एक ब्राउजर है दोस्तों, जिसका नाम है विया। जी हाँ दोस्तों, विया ये रहा वो ऐप जिसके बारे में मैं बताने वाला था। दोस्तों इस ब्राउजर्स का खास बात यह है कि ये ब्राउजर्स बहुत ही फास्ट चलता है। जी हाँ दोस्तों, क्रोम ब्राउजर्स या फिर फायरफॉक्स ब्राउजर्स से भी फास्ट चलता है, और इस ब्राउजर्स के जरिए से जो इंटरनेट की स्पीड मिलता है ना, बहुत ही फास्ट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि गूगल क्रोम ब्राउजर्स या फिर फायरफॉक्स ब्राउजर्स के अंदर भी इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी वहां पर भी इंटरनेट स्लो मार देती है, यानी कि इंटरनेट की स्पीड नहीं मिल पाता है। कुछ भी अगर डाउनलोडिंग करते हो या फिर कुछ भी सर्फिंग करते हो, तो गूगल क्रोम ब्राउजर्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम देखा गया है कि वहां पर आपको इंटरनेट की जो स्पीड है वो स्लो रहता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो VI ऐप मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, इस ऐप को अगर आप अपने मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पीसी में डाउनलोड करके रखोगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि है ये इतना कमाल की ऐप। दोस्तों इस ऐप के जरिए से अगर आप कुछ भी सर्फिंग करोगे, कुछ भी डाउनलोडिंग करोगे, तो इतना फास्ट डाउनलोडिंग होगा या फिर इतना फास्ट सर्फिंग कर पाओगे, यहाँ पर पूछो ही मत। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फास्ट है। मैं आप एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हो, स्क्रीन पर मैं कुछ भी टाइपिंग करके जो है यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हो कितना फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ऐप है VI ऐप, जो कि गूगल क्रोम को भी पीछे छोड़ के रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, गूगल क्रोम पुराना वर्जन हो चुका है, पुराना हो चुका है, लेकिन ये जो VI ऐप है दोस्तों बहुत ही फास्ट चलता है, गूगल क्रोम ब्राउजर से भी और फायरफॉक्स ब्राउजर से भी फास्ट चलता है ये VI ब्राउजर। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। पीसी के लिए भी लिंक मिल जाएगा और मोबाइल के लिए भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ऐप है दोस्तों। तो दोस्तों यही मैं आप सब लोगों को बताने वाला था कि एक अच्छा मोबाइल के लिए, एक अच्छा लैपटॉप के लिए एक अच्छा वेब ब्राउजर भी उसके अंदर होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप अपने काम को कर पाए। ठीक है, चाहे डाउनलोडिंग करते हो या फिर कुछ भी काम करते हो ऑनलाइन के जरिए से या फिर कुछ भी सर्फिंग करते हो, लेकिन वो काम आपका अच्छे से होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए, कोई इंटरनेट की स्पीड की प्रॉब्लम ना होना चाहिए। तो इसी ऐप के जरिए से आप वो सब काम कर सकते हो। दोस्तों आपको गूगल क्रोम खोलने की जरूरत नहीं है या फिर फायरफॉक्स खोलने की जरूरत नहीं है, आप VI ऐप्स खोलिए और बहुत ही फास्ट अपने काम को अंजाम दीजिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जो कि मैं आप सब लोगों को शेयर करने वाला था। तो गूगल क्रोम से भी फास्ट चलने वाला ब्राउजर्स आज के टाइम पे मौजूद हो गया है, जो कि ये रहा VI ब्राउजर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आ गया हो, तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे को जरूर दबा लीजिएगा इस तरह के नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।